हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ इंस्टेंट आंवली के अचार की रेसिपी, जो कि खाने में है बहुत मज़ेदार और बनाना तो इसे बिल्कुल आसान है। इस अचार को हम अलग तरीके से बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। आप इसे बनाकर एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 किलो आंवले को हल्दी और नमक के पानी में स्टीम कर लिया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से स्टीम हो गया है। नमक और हल्दी के पानी में स्टीम करने से आंवले का जो कसैलापन होता है वो हट जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हम सारे आंवले को स्टीम कर लेंगे। आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसको किसी न किसी रूप में हमें लेना चाहिए। ये देखिए, आंवला स्टीम करने से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह से खुल जा रहा है। तो अब हम सारे आंवले में से बीज निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से इसमें से बीज निकल जा रहा है। तो इसी तरह से हम सारे आंवले में से बीज निकाल लेंगे और सारे पल्प को अलग अलग निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे आंवले में से बीज निकाल लिया है। इसी तरह से हमें आंवले में से बीज निकाल लेना है। अब हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक मिक्सी का जार, उस 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे, 1 बड़े चम्मच मेथी ऐड करेंगे, 1 बड़े चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1 बड़े चम्मच सौंफ ऐड करेंगे जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और 4 बड़े चम्मच हम काली सरसों ऐड करेंगे। आप चाहें तो पीली वाली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए, हमारा अचार का मसाला बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें इसका पाउडर बना लेना है, जो कि अचार के मसाले के लिए एकदम परफेक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन को गर्म कर लिया है और इसमें हम 1 बड़े कप सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल में अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देंगे, जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलने लगे। तो इसको गर्म करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक स्टील का बड़ा सा बर्तन। मैंने स्टील का बर्तन इसलिए लिया है क्योंकि हम इसमें गरम तेल डालने वाले हैं, तो आप भी इसी का यूज करें। अब उसके बाद जो अचार का मसाला बनाए हैं उसको भी डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम जो गरम तेल करके रखे हैं उसको डाल देंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि जो अचार का मसाला मैंने बनाया है उसको रोस्ट नहीं किया है, तो इस तरह से हम तेल में उसको 2 से 3 मिनट के लिए मिला देंगे, जिससे कि अचार का मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। इसमें हम 1 छोटा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच सौंफ ऐड करेंगे, 1 पिंच हींग ऐड करेंगे और 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जिससे कि अचार का कलर एकदम बढ़िया आएगा। अब हम इसमें आंवले को ऐड कर देते हैं और इसमें अब डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि आंवला बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, तो उसी हिसाब से हमें नमक ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। इसको देख के आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो ये लीजिए, हमारा इंस्टेंट आंवले का अचार बनके तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए। अगर आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसे 3 से 4 दिन की कड़ी धूप दिखाइए। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।